वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। जो ये स्टेटमेंट है इसका, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का, वो ये है, यदि किसी पिंड पर कोई बल निकाय एस कार्यरत है और हम बाहर से एक ऐसे बल निकाय एस डैश उस पर और लगाते हैं जो पहले से ही संतुलन में हो, तो एस और एस डैश का संयुक्त प्रभाव पिंड पर वही होगा जो प्रथम बल निकाय के कारण था। ये कहता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके बारे में हम डिटेल से बता रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का नियम। ठीक है, सुपरपोजिशन का नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु, कोई पिंड है, मान लो ये एक पिंड है, ठीक, ये इसका दिखाया गया लाइन ऑफ एक्शन, ये सुपर पोजिशन ये कहता है कि अगर कोई पिंड है और उस पे एक बल निकाय कार्य कर रहा है, ठीक है, बल निकाय कार्य कर रहे, बल निकाय, ये इस पे ओ बिंदु है, ओ पे ये एफ बल लग रहा है और ये क्या है, एस दिखा रहा है, ये बल निकाय है। बल निकाय किस, ये बल निकाय क्या होता है, बल निकाय होता है दो का जोड़ा, ठीक है, दो बल, जैसे कोई वस्तु है तो इस पे एक्टिव हो गया, ये रिएक्टिव हो गया, तो इन दोनों का जोड़ा ये क्या कहलाएगा, बल निकाय। तो देखो एक बल ये लग रहा है, ये बल, दो बल लग रहे एफ एफ, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, इसको संतुलित कर रहे हैं। तो अगर किसी वस्तु, किसी वस्तु या किसी पिंड पे एक बल निकाय कार्य कर रहा है, ठीक है, ये एस क्या हो गया, बल निकाय, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, बल निकाय, बल निकाय कार्य कर रहा है, ये मान लो एफ है और ये एफ है, और ये दोनों जो बल लग रहे हैं विपरीत डायरेक्शन में सेम परिणाम के, तो ये क्या कहलाएगा, एस, ठीक है, बल निकाय। तो जो किसी वस्तु पे बल, एक बल निकाय पहले से काम कर रहा है एस, अगर इस वस्तु पे क्या करें, एक और बल निकाय हम लगा दें, मान लो हमने एक ये ए बिंदु ये लिया और इस पे ये दूसरा बल निकाय या इस तरीके से लगा दिया एफ एफ, या इस तरीके से लगा दिया, किसी भी तरीके से लगा दिया, किसी भी दिशा में लगा दिया, ठीक, बल लगा दिया, बल बल कोई दूसरा बल निकाय लगा दिया, और जब दूसरा बल निकाय लगाएंगे तो क्या होगा, जितना मैग्नीट्यूड है उतना मैग्नीट्यूड इसका भी है, दोनों एक दूसरे के, बल निकाय क्या होता है, अगर दोनों का परिणाम बराबर हो, दिशाएं विपरीत हो, तो वो बल निकाय समझो वस्तु पे कोई असर नहीं डालता। अब जब इस पे ये बल लगा है तो ये बल निकाय दूसरा क्या लगाया हम, ये हमारा एस डैश हो गया। तो एस डैश लगाने से पहले से इस पिंड पे, ये पिंड पे ये पहले से एस लगा था, उसके बाद हमने क्या लगा दिया, बल दूसरा बल निकाय क्या लगा दिया, एस डैश। तो जो ये एस डैश लगाएंगे, एस डैश का कोई परिणामी होगा नहीं, तो जब एस डैश का कोई परिणामी है नहीं, क्योंकि एक एफ एफ के प्रभाव को नष्ट कर देगा, ये इसके प्रभाव को नष्ट कर देगा, जब सेम परिणाम सेम हो और दिशाएं विपरीत हो, तो जब इसका कोई परिमाण निकल के नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड निकल के नहीं आएगा, तो ये एस डैश जो है एस पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मीन्स यहाँ पे मान लो एस बल निकाय लगा था, फिर बाद में हमने एस डैश लगाया, तो जब दोनों निकाय हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, इस पे कोई परिणामी नहीं दे रहे, परिणामी कब दे, कब किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, मान लो 5 न्यूटन का बल लगाया और इधर से ये लग रहा है 4 न्यूटन का, तब इसका परिणामी क्या हो जाएगा, 5 - 4 = 1 न्यूटन, तब वस्तु क्या होगी, गति करना प्रारंभ कर देगी। इसमें क्या कर रहा है, ये बल युग्म जितने भी बल, ये बल निकाय जो लग रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बराबर परिणाम है, दिशाएं विपरीत हैं। तो ये जो निकाय लगा था इस पर कोई असर नहीं डाल रहा था, उसके बाद हमने दूसरा एक बल निकाय लगाया, ये एस डैश, तो ये इसका भी परिणामी समान है, दिशाएं विपरीत है, तो ये भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। अब दोनों का अगर एस और एस डैश का लें, तो दोनों क्या होता है, दोनों क्या करते हैं,
ये इस वस्तु पे कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, जिससे वस्तु जो होती है अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। यही कहता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर बल निकाय या बल युग्म, ठीक है, मींस एक से अधिक बल हो, उनका जो बल निकाय या बल युग्म का जोड़ा होगा वो वस्तु पे कोई असर नहीं डालेगा। बस ये होना चाहिए उनका दोनों का परिणामी, कुछ परिणामी जो होना चाहिए, जो मतलब किसी वस्तु पे बल लग रहे हैं वो दिशाएं विपरीत हो, परिणाम बराबर होना चाहिए। ठीक, ये हो गया लॉ ऑफ सुपरपोजिशन।